स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए योगी सरकार ने एक और बड़ी पहल करने की सोची है। अब प्रदेश में सभी जिलों में एक एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा ताकि स्थानीय स्तर पर मिलने वाली सुविधाएं आम जनता तक पहुंच सके और लोग अपने क्षेत्र से दूसरी जगहों पर जाने से बचें। इसको लेकर केजीएमयू के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल विपिन पुरी ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की और कहा कि सरकार की जो प्राथमिकता है, जाहिर सी बात है, उसका आम लोगों को बड़े स्तर पर लाभ मिलेगा। हर जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज खुलने से स्थानीय जगहों की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े स्तर पर सुधार होगा। इसके अलावा बच्चों के लिए ट्रामा सेंटर खोलने से भी लाभ मिलेगा। क्योंकि स्वास्थ्य को देखते हुए केजीएमयू प्रशासन अब अपने कामों को और अग्रसर करते हुए एक नई पहल की है। इसको लेकर आज सेमिनार भी हुआ था, जिसमें बताया गया है कि जो छोटे बच्चों का एक्सीडेंट भी हो जाता है किसी स्थिति में, उनकी इलाज कैसे हो, तमाम तरह की चीज़ें कैसे हो, इसको लेकर पहल की गई है। हाँ, ये हमारा इसका सिर्फ मकसद यही था कि हम अपने सर्जन्स में, अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन्स में, पीडियाट्रिशियंस में, पीडियाट्रिक सर्जन्स में, लोगों में ये बात पहुंचा सकें कि पीडियाट्रिक ट्रॉमा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा इशू है। बच्चे हमारे करीब एक तिहाई, सारी पॉपुलेशन के एक तिहाई हिस्सा होते हैं, और अगर हम इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको अलग तरीके से इनको अगर हम नहीं इसका समाधान करेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो आगे चल के तो ये एक थिंकिंग मैकेनिज्म है जो हम समझते हैं कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट में भी ये आ जाए कि हमें अपने बच्चों की देखभाल करनी है। क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, क्या हम एक्सपर्टीज डेवलप करें इनकी देखभाल करने के लिए। सर, एक चीज़ और भी है सर, ट्रामा सेंटर तो हर लोगों के लिए है, लेकिन बेसिकली बच्चों के लिए ऐसा सिचुएशन लाया जाएगा कि ट्रामा सेंटर के भी स्थापन हो। जैसा कि मैंने अपने इसमें लेक्चर में बोला था कि कुछ स्टडीज़ हुई थी विश्व में, वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो बच्चे अडल्ट ट्रामा सेंटर में आते हैं तो उनका रिजल्ट कैसा होता है, और जो बच्चे पीडियाट्रिक ट्रामा सेंटर में आते हैं उनका रिज़ल्ट क्या आता है। तो उसमें देखा गया कि जो बच्चे पीडियाट्रिक ट्रॉमा सेंटर में आते हैं, जहाँ पर सब डॉक्टर्स भी, नर्सेज भी, टेक्नीशियन भी, सब लोग बच्चों को देखभाल करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं, वहाँ पर रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। और जहाँ जो अडल्ट सेंटर में जहाँ आते हैं, या मिक्स सेंटर में जहाँ पर बच्चे भी आ रहे हैं, अडल्ट भी आ रहे हैं, वहाँ रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते हैं, वहाँ पर वो आउटकम्स जो हैं बच्चों का इतना अच्छा नहीं हो पाता। एक ही सर, हमने कोविड के दौर में देखा सारी चीजें व्यवस्था अच्छी थी, सरकार गठन हुआ, नया रणनीति भी नई तरीके से बनाई जा रही है, सर क्या कुछ बदलाव इस बार देखा जाएगा नई सरकार? हमने ये सजेस्ट गवर्नमेंट को ये किया है कि हम पीडियाट्रिक ट्रॉमा सर्विसेज भी बनाएं, जो हमारे जैसे हमारे केजीएमयू में आपको मालूम है ये डिपार्टमेंट हमने इस्टेब्लिश किया है पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स का, पीडियाट्रिक सर्जरी का तो है ही, और पीडियाट्रिशियंस हैं, इन सब को मिल के बच्चों के अगर ट्रॉमा में अगर हम इनकी इमरजेंसी टीम्स बनाएं, इनका स्पेशल इलाज करें, तो हमारी यही कोशिश होगी कि आने वाले कल में हम लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के आसपास अगर कोई एक्सीडेंट्स होते हैं, बच्चों की चोट लगती है, बच्चों को जो गंभीर तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं, हम उनका समाधान करने में हमें थोड़ा सा आसानी होगी। सर का साफ तौर से कहना है कि ज़रूरत है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेडिकल कॉलेज खुले, और उसमें खासकर ट्रामा सेंटर का भी एक गठन किया जाए, जिसमें साफ तौर से देखा जाए कि जो बच्चों के एक्सीडेंट मामले आते हैं उनका सही समय पर इलाज हो, ताकि उनके जीवन को फिर से बचाया जा सकता है। सहयोगी अमरीश के साथ मैं सतीश संगम, जनता टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।